Hello everyone, I'm your educator Jashan and I welcome you to Arpita Sharma classes. This lecture will be on NCERT class 11th political theory chapter number 9 peace. Students, you can subscribe to Arpita Sharma classes for daily the Hindu news analysis, important international organizations, daily MCQs for prelims preparation, strategy classes for UPSC, CSE, polity classes and much more. You can also subscribe to our Telegram channel, which is Simplifying UPSC with Ease, to get PDFs, notes and other notifications. Arpita ma'am takes live classes on Unacademy Plus. You can use code SHARMAYT10 to get 10% discount there. Now let's come to the topic for today, which is peace. स्टूडेंट्स, आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि कई थिंकर्स ऐसे हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो पीस के बारे में, शांति के बारे में नेगेटिवली भी देखते थे. ठीक है, पीस को एक नेगेटिव टर्म भी समझा जाता था बहुत बार, क्योंकि उन थिंकर्स का ये सोचना था कि फोर्स इज नीडेड टू फैसिलिटेट ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, कि जो पीसफुल टाइम है, पीस है, उसमें सिविलाइजेशन की ग्रोथ नहीं होती. ठीक है, फोर्स मतलब आपको फोर्स चाहिए सिविलाइजेशन को ग्रो करने के लिए. ठीक है, ऐसे ही कुछ और थिंकर्स थे जो कि पीस को कंडेम करते थे और ये बोलते थे कि जो इंडिविजुअल हीरोइज्म है या सोशल वाइटालिटी है, ये सब पीस में नहीं आती. जैसे एक बहुत फेमस सोशल थ्योरिस्ट है विल्फ्रेडो पेरेटो, उनका ये कहना था कि पीपल दोज हु आर एबल एंड विलिंग टू यूज फोर्स टू अचीव देयर गोल्स constitute the government elites in most societies. कि जो लोग फोर्स को यूज करना चाहते हैं और जानते हैं, वो क्या है, वो सोसाइटीज के इलीट्स बन जाते हैं. ठीक है, और वही सोसाइटीज के क्या होते हैं, लायंस होते हैं. ठीक है, तो विल्फ्रेडो पेरेटो का ये कहना था कि यूज ऑफ फोर्स को वो सिग्निफाई करते थे, उसको इंपॉर्टेंस देते थे. ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शुरू से ही पीस के साथ खड़े होने वाला कोई था नहीं. इनफैक्ट क्या है कि जो जितने भी रिलीजन्स हैं, उनकी जो ओरिजिनल टीचिंग्स हैं, उनमें पीस जो होती है वो एक सेंट्रल पॉइंट होती है. ठीक है, मॉडर्न एरा में भी पीस के बहुत एडवोकेट्स रहे हैं, जिनमें हमारे महात्मा गांधी जी क्या है, एक प्रोमिनेंट फिगर है. ठीक है, लेकिन अगर हम सोचें कि अब जो वर्ल्ड की प्री ऑक्यूपेशन थी पीस के साथ, जो पीस को इम्पोर्टेंस दी जा रही थी, वो उसको एज अ प्रिंसिपल नहीं दी जा रही थी. इसलिए पीस को या शांति को इम्पोर्टेंस दी जा रही थी क्योंकि 20th सेंचुरी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज हुई. ठीक है, जिसके कारण क्या था, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल मर गए. जैसे World War II देखिए आप. ठीक है, तो उस केस में उन एट्रोसिटीज को अपने ऊपर भोगने के बाद, उनको उनको फेस करने के बाद, इतने लोगों की जान जाने के बाद, हमने पीस को इम्पोर्टेंस देना शुरू किया है. ठीक है, जैसे आप जानते होंगे कि World War II में बहुत ज्यादा लोगों की डेथ हुई. मतलब ये हाल था कि जो जर्मनी था, उसने इंग्लैंड में एक तरह का कारपेट बिछा दिया था बॉम्ब्स का. ठीक है, और World War II की तो एंडिंग भी न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोशन के साथ हुई है, जो अमेरिका ने जापान के ऊपर फेंके थे. ठीक है, उसी तरह क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. ठीक है, उस टाइम वो ऐसा टाइम था कि न्यूक्लियर मिसाइल्स होना, न्यूक्लियर पावर होना सबसे बड़ी करेंसी समझी जाती थी, सबसे बड़ी पावर समझी जाती थी. ठीक है, क्यूबा क्या है, एक छोटा सा कंट्री है अमेरिका के पास. तो सोवियत यूनियन ने क्या किया था, क्यूबा में अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स रख ली थी. ठीक है, जो कि अमेरिका के बिल्कुल पास पड़ता है. तो अमेरिका को किसी तरीके से वो न्यूक्लियर मिसाइल्स की डिप्लॉयमेंट के बारे में पता चल गया. तो तब अमेरिका ने क्या किया, जो क्यूबा कंट्री है उसको उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया था. तो उस टाइम हालात ऐसे हो गए थे कि ऐसा लग रहा था कि किसी भी टाइम थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकती है और इस टाइम तो पूरा का पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा. लेकिन तभी सोवियत यूनियन ने क्या किया, अपनी मिसाइल्स वहां से हटा ली और जो ये एक और वर्ल्ड वॉर होने के चांस बन रहे थे वो हट गए. ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई पर्सन अभी पीस को प्रेज कर रहे हैं तो इट्स नॉट म्योरली बिकॉज दे बिलीव इट टू बी ए गुड आइडिया. ह्यूमैनिटी हैज लर्न्ड टू वैल्यू पीस आफ्टर पेइंग अ ह्यूज प्राइस फॉर इट्स एब्सेंस. एक बहुत बड़ी प्राइस पे करने के बाद ही हमने पीस को वैल्यू करना शुरू किया है. ठीक है, अभी हम देखते हैं द मीनिंग ऑफ पीस. पीस को बहुत तरीके से डिफाइन किया जा सकता है. ठीक है, जैसे सबसे सिंपल और सबसे पहली डेफिनेशन जो है वो है, पीस इज ऑफन डिफाइंड एज एब्सेंस ऑफ वॉर. कि जब तक वॉर नहीं हो रही, मतलब पीस है. ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है. मतलब ऐसा नहीं होता कि किसी सोसाइटी, अगर कोई सोसाइटी
वॉर में एंगेज नहीं है, अगर कोई कंट्री किसी और कंट्री के साथ वॉर में एंगेज नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां सिचुएशन पीसफुली हो गई। ठीक है, दिस डेफिनेशन इज सिंपल बट मिसलीडिंग। ठीक है, क्योंकि क्या है कि जो ये है एब्सेंस ऑफ वॉर, वॉर को यहाँ पे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लिया जाता है कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रही तो मतलब कंट्री पीसफुल है। जो सेकंड स्टेप है, जो सेकंड टाइप की डेफिनेशन है पीस की, वो क्या है, इट सीज द एब्सेंस ऑफ वायलेंट कंफ्लिक्ट ऑफ ऑल काइंड्स इंक्लूडिंग वॉर, रॉयट, मैसेकर, असैसिनेशन और सिंपली फिजिकल अटैक। पहली डेफिनेशन क्या कहती है, पीस इज एब्सेंस ऑफ वॉर। जो दूसरी डेफिनेशन है वो उससे भी कुछ स्टेप आगे जाती है, वो बोलती है पीस इज एब्सेंस ऑफ वॉर एंड पीस इज एब्सेंस ऑफ रायट्स, मैसेकर्स, असैसिनेशंस एक्सेट्रा। ठीक है, तो क्या है, जो सेकंड डेफिनेशन है वो क्लियरली बेटर है फर्स्ट डेफिनेशन से, लेकिन ये फिर भी पूरी पीसफुल सिचुएशन को एक्सप्लेन नहीं करती है। ये हो सकता है कि कोई कंट्री में, किसी सोसाइटी में अभी कोई वॉर ना चल रही हो, कोई रायट्स ना चल रहे हो, ठीक है, किसी की असैसिनेशन मसैकर्स नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी वहां पे क्या है, कंडीशंस पीसफुल नहीं है। ठीक है, जैसे अब हम ये करें अनटचेबिलिटी की बात करें, तो उस टाइम क्या था कि जो दलित्स थे उनको बहुत सप्रेस किया जाता था बाकी हमारे ये बाकी कास्ट्स के द्वारा। तो अगर उस अगर किसी एरिया में किसी ऐसे ये कम्युनिटी के साथ ऐसा हो रहा है, तो हो सकता है वहां पे रायट्स, मैसेकर्स, वॉर ना हो रही हो, लेकिन वो भी सिचुएशन पीसफुल नहीं होगी। ठीक है, वायलेंस इज ऑफन रूटेड इन द वेरी स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कई बार स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी में ही वायलेंस होता है। सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिसेस दैट एनफोर्स इनइक्वालिटीज ऑफ कास्ट, इनइक्वालिटीज ऑफ क्लास, इनइक्वालिटीज ऑफ जेंडर, ठीक है, दे कॉज इंजरी इन सबटल एंड इनविजिबल वेज। कि कई बार हमारी सोशल प्रैक्टिसेस ऐसी होती हैं कि वो किसी कई लोगों को आउटकास्ट कर देती है, किसी कास्ट को बाकियों के बराबर नहीं समझा जाता, जैसे जो अनटचेबल्स थे, ठीक है, या किसी क्लास को जो लोअर क्लास है उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है, या क्या है, फीमेल्स जो हैं, विमेन हैं, उनको पैट्रियार्की में उनकी पोजीशन कई बार बहुत बुरी होती है। तो जो ये सोशल इंस्टीट्यूशंस या प्रैक्टिसेस हैं वो भी इंजरी कॉज करते हैं इन सटल एंड इनविजिबल वेज। ठीक है, स्ट्रक्चर वायलेंस ऑफ दिस काइंड में प्रोड्यूस लार्ज स्केल इवल कॉन्सिक्वेंसेज। इस तरीके का जो स्ट्रक्चरल वायलेंस है उसके बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस, कि वो क्या से स्ट्रक्चर के हमारी सोसाइटी के स्ट्रक्चर में कैसे किस तरीके से वायलेंस को इनकलकेट किया जाता है। सबसे पहला फॉर्म जो है वो है अनटचेबिलिटी का। जैसे हम बात करें ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम में क्या था, कुछ ग्रुप्स ऐसे थे जिनको अस्पर्श्य या अनटचेबल माना जाता था। ठीक है, तो एक तरीके से क्या है कि ये सोसाइटी के स्ट्रक्चर में ही वायलेंस है। ठीक है, कि उनको बाकियों के बराबर नहीं समझा जा रहा। ये फॉर्म तब तक चलती रही जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल या आउटलॉड नहीं कर दिया। ठीक है, तो क्या था, एक तरीके से जो अनटचेबल्स थे उनके साथ क्या हो रहा था, दे वर फेसिंग सोशल एक्सक्लूजन एंड डेप्रिवेशन ऑफ द वर्स्ट सॉर्ट। ठीक है, ये हमने क्या देखा, कास्ट बेस्ड स्ट्रक्चर वायलेंस है। नेक्स्ट जो है क्लास बेस्ड स्ट्रक्चरल वायलेंस, कैसे एक पर्टिकुलर सोशल कास्ट को बिलोंग करने की वजह से स्ट्रक्चरल वायलेंस होता है। जैसे क्या है, जनरली डेवलपमेंट कंट्रीज में क्या होता है, जो लेबरिंग क्लास है वो सिर्फ इनफॉर्मल सेक्टर तक ही सीमित होकर रह जाती है। इनफॉर्मल सेक्टर में क्या है, वेजेस अच्छे नहीं होते, कंडीशंस ऑफ वर्क अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो एक तरह के से वो अंडर क्लास बन के रह जाती है। ठीक है, तो उनके लिविंग कंडीशन स्लम्स में रहते हैं, उनके लिविंग कंडीशंस अच्छे नहीं हो पाते। ठीक है, तो उन उनके साथ स्ट्रक्चरल वायलेंस जो है, मतलब वो अपनी क्लास उसको छोड़कर दूसरी क्लास में कई बार मूव ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो एक तरीके से ये क्लास बेस्ड स्ट्रक्चरल वायलेंस है। फिर है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वेमेन। ठीक है, जो पैट्रियार्की है वो एक तरह का सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें क्या है कि विमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनको सबॉर्डिनेट माना जाता है मेल काउंटर पार्ट से। ठीक है, तो जो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन है वो वायलेंस का फॉर्म कैसे लेती है, तो उसके कई मैनिफेस्टेशंस हैं, जैसे ये फीमेल फीटिसाइड हो गया, फिर डिनायल ऑफ एडिक्वेट नोरिशमेंट एंड एजुकेशन टू गर्ल चाइल्ड, फिर चाइल्ड मैरिजेस, डाउरी रिलेटेड क्लेम्स, रेप्स एटसेट्रा।
ठीक है, अगर हम इंडिया की ही बात करें तो जो हमारा चाइल्ड सेक्स रेशियो है 2011 सेंसिस के अकॉर्डिंग 919 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ठीक है, इससे भी हमें डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन का पता चलता है। फिर क्या था, जो कॉलोनियलिज्म था वो क्या था, एक वर्स्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस था। कॉलोनियलिज्म क्या होता है, ठीक है, इट्स प्रोलॉन्ग एंड डायरेक्ट सब्जेक्शन ऑफ पीपल टू एलियन रूल, ठीक है, के कोई और कंट्री होता है जो के किसी और कंट्री को बहुत ज्यादा टाइम के लिए उनको उन पे रूल करता रहता है। ये समझा जाता है कि अब इस टाइम पे कॉलोनियलिज्म एक रियल फिनोमेना हो गया है। पर अगर हम पैलेस्टीनियन स्ट्रगल को देखें इसराइली डोमिनेशन के अगेंस्ट, तो हमें ये पता चलेगा कि अभी तक कॉलोनियलिज्म एंड नहीं हुआ है। उसके बाद है रेसिज्म। तो रेसिज्म क्या है, इट इन्वॉल्व स्टेगमेटाइजेशन एंड ऑपरेशन ऑफ एंटायर रेशियल ग्रुप और कम्युनिटी, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर रेशियल ग्रुप को जब उनकी रेस के कारण, उनके कलर के कारण स्टेगमेटाइज किया जाता है या ऑप्रेस किया जाता है, उसे रेसिज्म बोला जाता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से सोशल वायलेंस ही है, क्योंकि उनका एक पर्टिकुलर रेस को बिलोंग करने के कारण उनपे कई चीजें इन्फ्लिक्ट की जाती हैं। जैसे क्या था, नीग्रो स्लेवरी थी, ठीक है, कि नीग्रोस को स्लेव बना के रखा जाता था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, ये बोलकर कि उनकी रेस इन्फीरियर है वाइट रेस से, ठीक है। वैसे ही स्लॉटर ऑफ ज्यूज इन हिटलर जर्मनी, या फिर हम अपार्थिड की बात करें, अपार्थिड क्या था, साउथ अफ्रीका में व्हाइट कंट्रोल्ड गवर्नमेंट थी, ठीक है, तो जो उस कंट्री के नेटिव्स थे ब्लैक पीपल, उनको बहुत बुरे तरीके से सबॉर्डिनेट बनाकर रखती थी और उनके साथ सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह बिहेव किया जाता था, ठीक है। जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है वो अभी भी वेस्ट में अभी भी चलता है, मतलब सामने नहीं, ओवर्टली नहीं होता तो छिप छिप के होता है, कोवर्टली होता है, ठीक है। और जनरली जो इमिग्रेंट्स जाते हैं अफ्रीका से, एशिया से, लैटिन अमेरिका से, उन सभी को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। वैसे ही है कम्युनलिज्म, ठीक है, तो कम्युनलिज्म को ये बोला जाता है कि इट इज अ साउथ एशियन काउंटर पार्ट ऑफ रेसिज्म, ठीक है। तो रेसिज्म में क्या था, किसी पर्सन के स्किन कलर की वजह से उसको स्टेगमेटाइज किया जा रहा है। कम्युनलिज्म क्या है कि जब कोई मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप किसी माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप के साथ धक्का करता है, उसके ऊपर कोई वायलेंस इन्फ्लिक्ट करता है, तो वो कम्युनलिज्म का बोला जाता है उसको, कि जब किसी को एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करने की वजह से डिस्क्रिमिनेट किया जाए, ठीक है। तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, जो स्ट्रक्चरल वायलेंस होता है ये बहुत बार ऐसी ग्रीवेंसेस जनरेट करता है कि जो जनरेशंस तक प्रेजिस्ट करती हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि कम्युनलिज्म के कारण या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के कारण या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के कारण जो पेरेंट्स ने बुरी बातें सही होती हैं, ठीक है, या उन्होंने कुछ उनके साथ बहुत बुरा होता है, तो वो चीज जनरेशंस तक उनके बच्चों के माइंड में रहती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि कई बार एक छोटे से रिमार्क की वजह से या एक छोटे से इंसिडेंट की वजह से बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाती हैं, क्योंकि वो बात सिर्फ उस रिमार्क की या उस इंसिडेंट की नहीं है, वो जो सदियों से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन चलता आ रहा है वो उनके माइंड में इकट्ठा हो चुका होता है, ठीक है। तो अगर हमें पीस अटेन करनी है, ठीक है, तो ये जो सारी लेटेंट ग्रीवेंसीज हैं, ठीक है, या कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, इसको भी रिड्यूस करना होगा, इसको खत्म करना होगा। लेटेंट ग्रीवेंसीज को खत्म करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे अच्छा जो प्रोसेस है वो है डायलॉग का प्रोसेस। जब बात करेंगे तभी ये सारी जो हमारी एक दूसरे के प्रति मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तभी सॉल्व हो पाएंगी। इसमें ऑथर का ये कहना है कि लेट अस सपोज के अब कोई मेजोरिटी ग्रुप जो है वो किसी माइनॉरिटी के साथ, किसी भी तरह की माइनॉरिटी, रेशियल माइनॉरिटी या कास्ट बेस्ड माइनॉरिटी या रिलीजियस माइनॉरिटी के साथ कुछ बुरा नहीं कर रहा, लेकिन पुरानी बातें इतनी हो गई होती हैं कि उनको छोटी सी बात छुप जाती है। तो उसके लिए क्या है, इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक प्रोसेस ऑफ डायलॉग चलाना पड़ेगा बातों के थ्रू, ताकि पता चले कि हम लोग एक दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोच रहे। जैसे इंडिया पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का भी यही सोल्यूशन, बहुत पीसफुल सोल्यूशन सबसे अच्छा यही माना जाता है, प्रोसेस ऑफ डायलॉग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है वो ये है कि कैन वायलेंस एवर प्रमोट पीस, ठीक है, कि वायलेंस को यूज करते हुए हम पीस ला सकते हैं। ये बहुत बार सोचा जाता है कि अगर कहीं से जगह पे कोई ऑटोक्रेटिक रूल है, ठीक है, तो उस पर्सन को अगर वो बहुत तानाशाही कर रहा है सोसाइटी को, एक बार उसको वायलेंट तरीके से ओवरथ्रो कर देते हैं फिर हम पीस ले आएंगे, ठीक है। ये माना जाता है, इट इज ऑफन असर्टेड दैट वायलेंस कैन समटाइम्स बी नेसेसरी प्रील्यूड टू ब्रिंगिंग अबाउट पीस,
एक किसी चीज को वॉयलेंट तरीके से खत्म करके पीस ले आएंगे, ठीक है। इट मे बी आर्ग्यूड दैट टायरेंट्स एंड ऑप्रेसर्स कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम कॉन्टिन्यूइंग टू हार्म द पॉपुलेस ओनली बाई बींग फोर्सिबली रिमूव। अच्छा, इसमें ये है कि अगर कोई टायरेंट है, राजा, मतलब बहुत ऑप्रेस कर रहा है अपने पॉपुलेशन को, तो उसको फोर्सिबली रिमूव करके फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। जैसे बहुत बार हमने देखा होगा कि कई लिबरेशन स्ट्रगल्स हैं, जो इंडिपेंडेंट स्ट्रगल्स हैं, वो क्या करती हैं, वो वॉयलेंस को यूज करती हैं और जस्टिफाई करती हैं कि वो तो एक अच्छे कॉज के लिए कर रही हैं ना। लेकिन क्या है कि जब भी वॉयलेंस यूज होता है, चाहे उसके पीछे क्या कोई अच्छा कॉज ही क्यों ना हो, इट टर्न्स आउट टू बी सेल्फ डिफीटिंग, ठीक है। ये सेल्फ डिफीटिंग हो जाता है, क्यों? क्योंकि एक बार जब वायलेंस होना शुरू हो गया तो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती हैं और डेथ और डिस्ट्रक्शन फॉलो करती है। जैसे आपने हमने सबने ये देखा होगा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या था कि चौरा चौरी इंसिडेंट होने के बाद महात्मा गांधी ने उस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया, क्योंकि महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग क्या था, वो एक पीसफुल मूवमेंट थी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी। लेकिन जब जो हमारे मासिस हैं उन्होंने चौरा चौरी में क्या किया, एक पुलिस स्टेशन को में जितने पुलिस ऑफिसर्स थे सबको जिंदा जला दिया, तो ये क्या हो गया, ये तो फिर वायलेंट स्ट्रगल हो गया ना। तो इस वजह से महात्मा गांधी को ये चीज सेल्फ डिफीटिंग लगी और उन्होंने ये मूवमेंट ही विड्रॉ कर ली, ठीक है। तो जो पैसिफिस्ट हैं वो क्या मानते हैं कि पीस इज अ सुप्रीम वैल्यू, कि पीस एक बहुत सबसे सुप्रीम वैल्यू पीस है, तो पीस को अचीव करने के लिए वायलेंस का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो कैसे पीस को अचीव करें, थ्रू लव एंड ट्रूथ टू विन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ ऑप्रेसर्स, ठीक है। ऑथर इसमें ये कहना चाहता है कि नॉन मिलिटेंट बट नॉन वायलेंट फॉर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जैसे क्या था, सिविल डिसोबीडियंस था एक मेजर मोड ऑफ सच स्ट्रगल, ठीक है। तो इसकी सबसे बड़ी जो एग्जाम्पल है वो है गांधी जी। तो क्या था, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया, तो उन्होंने क्या कहा कि जस्टिस के थ्रू ब्रिटिश रूलर्स की कंसाइज को उन्होंने मतलब झंझोड़ना चाहा कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ठीक है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं मानी तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट पर एक मॉरल और पॉलिटिकल प्रेशर जनरेट करना चाहा, मास मूवमेंट जनरेट करके, मास मूवमेंट जन आंदोलन को जनरेट करके, इन्वॉल्विंग ओपन बट नॉन वायलेंट ब्रेकिंग ऑफ अनजस्ट लॉज। ये क्या है, सिविल डिसोबीडियंस क्या होता है कि सिविल लॉज, जो अनजस्ट सिविल लॉज हैं उनको डिसोबे करना, ठीक है, उनको अनजस्ट सिविल लॉज को ब्रेक करना, पर वायलेंट तरीके से नहीं, नॉन वायलेंट तरीके से। जैसे इसका बिगेस्ट एग्जांपल क्या था, सॉल्ट सत्याग्रह, ठीक है। सॉल्ट रूल अनजस्ट था, कितने सालों से, सदियों से हमारी कंट्री में क्या था, कोस्ट पे, गुजरात की कोस्ट पे, उड़ीसा की कोस्ट पे और भी बहुत जगह पे क्या था, लोग अपना सॉल्ट जनरेट कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा सॉल्ट टैक्स लगा दिया उस पे, ठीक है। तो एक तरीके से ये अनजस्ट था लोगों के लिए, लेकिन ठीक है। पर फिर जब गांधी जी ने ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की, तो उन्होंने इस अनजस्ट लॉ को ब्रेक करके इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का स्टार्ट किया था। और इसी एग्जाम्पल को देखते हुए मार्टिन लूथर किंग ने भी एक सिमिलर बैटल वेज की थी 1960s अगेंस्ट एंटी ब्लैक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन यूएसए, ठीक है। तो उन्होंने यूएसए में भी ऐसी ही बैटल सिविल डिसोबीडियंस पे बेस्ड चलाई थी। आगे हम देखते हैं पीस एंड द स्टेट, के पीस को डिप्लॉय करने के लिए स्टेट का क्या रोल हो सकता है, ठीक है। ये माना जाता है कि जो हमारे वर्ल्ड को डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया है, तो ये क्या है, परस्यूट ऑफ पीस जो है उसके आगे, उसको ये उसके अगेंस्ट जाता है, ठीक है। क्योंकि स्टेट्स क्या करती हैं कि सिर्फ अपने कंट्री के बारे में सोचेंगी, अपने लोगों के बारे में सोचेंगी, और अपने लोगों के बारे में सोचते हुए अगर उन्हें दूसरे कंट्री के लोगों को मारना भी पड़े तो मारेंगी, ठीक है। हम जितनी वॉर्स हुए हैं हमारे वर्ल्ड में, सभी यही तो था कि क्या है कि तुम लोग अपने कंट्री को बचाने के लिए दूसरे जिनको मार रहे हो वो भी तो ह्यूमंस ही हैं, ठीक है। और इसके साथ ही क्या है कि कई बार अगर सेम कंट्री के लोग ही डिसेंट, कुछ किसी बात पे डिसेंट करते हैं, तो फोर्सेस ऑफ कोएर्शन को यूज करके उनको चुप करवा दिया जाता है। दिस इज मोस्ट क्लियरली एविडेंट इन अथॉरिटेरियन रिजीम्स, जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं उसमें ये बहुत ज्यादा बार देखने को मिलता है। जैसे क्या है, म्यांमार के अब वाली एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है।
तो ऐसे जो रूल्स हैं वो क्या करते हैं, बिल्कुल भी डिसेंट अलाउ नहीं करते। जो लोग डिसेंट करते हैं, या नॉर्थ कोरिया की बात कर लो, जो लोग डिसेंट करते हैं उनको क्वेश्चन से चुप करवा दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से पीस को रिस्टोर करने के लिए क्या सोल्यूशन है, ठीक है, इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन है मीनिंगफुल डेमोक्रेटाइजेशन, ठीक है, और रीनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक होगी, मतलब अगर गवर्नमेंट को लोग ही चूज करते होंगे, तो लोग क्या है फिर पॉलिसीज को इफेक्ट कर पाते हैं। फिर जो गवर्नमेंट है उसको भी डर लगा रहता है कि अगर हम कुछ गलत करेंगे, हम लोगों को बिल्कुल बोलने की इजाजत नहीं देंगे, तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम लोग हमें इलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। दिस रूट इज टेकन इन द पोस्ट अपार्थिड रिजीम इन साउथ अफ्रीका। जो मीनिंगफुल डेमोक्रेटाइजेशन का रूट है, इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है जो अपार्थिड के बाद साउथ अफ्रीका में जो गवर्नमेंट आई है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पीस लाने के लिए क्या क्या डिफरेंट अप्रोचेस हैं, ठीक है। सबसे पहली जो अप्रोच है वो स्टेट्स को सेंट्रलिटी देती है, कि जो स्टेट्स हैं, जो जितने नेशंस हैं वो सेंट्रल हैं, वो सॉवरन हैं अपने अपने फील्ड में, और वो जो करना चाहते हैं वो करें, ठीक है। और ये माना जाता है कि हर स्टेट, जो जितने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज होंगे उनके बीच में कंपटीशन तो रहेगा ही, हमें बस ये करना है कि जो स्टेट्स के बीच में कंपटीशन है वो किसी वॉर की शेप ना ले ले, ठीक है। इसलिए सर पूरे वर्ल्ड में कुछ बैलेंस ऑफ पावर बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। दिस बैलेंस ऑफ पावर इज सेड टू हैव प्रिवेल्ड इन 19th सेंचुरी, व्हेन मेजर यूरोपियन कंट्रीज फाइन ट्यून्ड देयर स्ट्रगल फॉर पावर बाय फॉर्मिंग अलायंसेस दैट डेटर्ड पोटेंशियल अग्रेसर्स एंड प्रिवेंटेड द आउटब्रेक ऑफ लार्ज स्केल वॉर, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस व्यू पॉइंट में स्टेट को सुप्रीम माना जाता है, ठीक है। जैसे क्या था, 19th सेंचुरी में जब वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाली थी, उससे पहले क्या था, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ने अपने अपने अलायंसेस बना लिए थे कि मैं इस ग्रुप में हूँ, मैं उस ग्रुप में हूँ, ठीक है। और दोनों ग्रुप स्ट्रांग होने के कारण दोनों ही एक दूसरे पे अटैक करने से डरते थे, कि अगर एक ही कंट्री पे अटैक करेंगे तो दूसरे ग्रुप के सारे कंट्री हम पे अटैक कर देंगे, ठीक है। जो इस तरह की सिचुएशन है कि जो स्टेट्स को सुप्रीम पावर दे रही है और कंपटीशन को बस ये सोच रही है कि कंपटीशन तो रहेगा ही स्टेट्स में, बस ज्यादा लड़ाई ना हो, ठीक है। ये फर्स्ट अप्रोच है परस्यूट ऑफ पीस की। जैसे अगर हम यूएन में देखें तो जो सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएन है वो इस अप्रोच पे चलती है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड अप्रोच जो है, इट स्ट्रेसेस द पॉजिटिव प्रेजेंस एंड पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरडिपेंडेंस। ये बोलती है कि स्टेट्स को एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है, और स्टेट्स को सोशल और इकोनॉमिक स्फीयर्स में कोऑपरेट करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके के जब कोऑपरेशन रहेगी तो एक इंटरनेशनल लेवल की अंडरस्टैंडिंग बन के आएगी, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूरोपीय, अगर हम एग्जाम्पल देखें, जब यूरोप के सारे कंट्रीज ने एक दूसरे का साथ कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव जो स्टैंड है वो लिया, मतलब पहले जैसे फ्रांस, जर्मनी, बाकी सारे यूरोपियन स्टेट्स एक दूसरे के साथ कितना वॉर्स होती थी उनकी, लेकिन बाद में उन्होंने इकट्ठे होके कोऑपरेटिव कोऑपरेट करके ये एक यूरोपियन यूनियन बना लिया है, ठीक है। और इन पहली दो अप्रोचेस के विपरीत जो थर्ड अप्रोच है वो ये समझती है कि जो स्टेट सिस्टम है, कंट्रीज का जो सिस्टम है, इट इज जस्ट अ पासिंग फेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। के जो स्टेट्स बनी हुई हैं, अलग अलग कंट्रीज बने हुए, ये एक पासिंग फेज है, और एंड में क्या होगा, हम सब लोग ह्यूमंस हैं, वी ऑल आर द रेजिडेंट्स ऑफ सेम मदर अर्थ, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, सभी कंट्रीज जो है अपने बॉर्डर्स खोल देंगे, जो अलग अलग कंट्रीज हम एक दूसरे के साथ वॉर करते हैं, ये सिस्टम खत्म हो जाएगा और सभी पीसफुली रहेंगे। इट एनवसाजेस, ये देखती है कि एक सुपरा नेशनल ऑर्डर बनेगा, सभी नेशंस के ऊपर का एक ऑर्डर बनेगा, और क्या होगा कि वो पूरी ग्लोबल कम्युनिटी में, पूरे ग्लोब में पीस लेकर आएगा, ठीक है। तो ये सब कैसे सोचा जाता है, इसलिए सोचा जाता है क्योंकि अब क्या है, पूरे कंट्रीज के बीच में, उनके लोगों के बीच में इंटरेक्शंस बढ़ रही हैं, ठीक है। कोअलिशंस जो है वो इंक्रीज हो रही हैं, और इसमें बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल एक्टर्स जैसे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, उनका क्या होगा, उनके ऑफिसेस पूरे वर्ल्ड में फैले होंगे। तो अगर वर्ल्ड में हम ऐसे ऑफिसेस फैला देंगे, बिजनेस
क्या है, वो पूरे कुछ चीज किसी कंट्री में बन रही है, कुछ चीज किसी कंट्री में बन रही है, तो सभी कंट्रीज में कोऑर्डिनेशन तो चाहिए ही ना। तो ऐसे जो नॉन गवर्नमेंटल एक्टर्स हैं या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, इनकी वर्किंग को देखते हुए लगता है कि ऐसा पॉसिबल है कि एक सुप्रा नेशनल ऑर्डर बन जाए और सभी जो वर्ल्ड की कम्युनिटी है वो इकट्ठा रहने लगे। ठीक है, जो इस अप्रोच के प्रोपोनेंट्स हैं वो बोलते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है, ग्लोबलाइजेशन क्या है कि पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज है, ठीक है, हम लोग एक ही ग्लोबल विलेज को बिलोंग करते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो पहले ही सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट एंड प्राइमेसी ऑफ स्टेट के स्टेट ही प्राइमरी है, इन सब कॉन्सेप्ट्स को क्या करें धीरे धीरे खत्म कर रहा है एंड इज क्रिएटिंग कंडीशंस फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन ऑफ वर्ल्ड पीस। अब कॉन्टेम्प्रेरी चैलेंजेस की बात करते हैं। अगर हम यूएन की बात करें तो यूएन क्यों फॉर्म की गई थी, एक वर्ल्ड में पीस बरकरार रखने के लिए, ताकि कोई और वर्ल्ड वॉर ना हो सके। तो यूएन की बहुत सारी अचीवमेंट होंगी, लेकिन क्या है कि फिर भी ये पूरी पीसफुल सिचुएशन नहीं ला पाई वर्ल्ड में। ठीक है, जो डोमिनेंट स्टेट्स हैं वो बहुत बार डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन करती हैं और फॉरेन टेरिटरीज को ऑक्यूपाई करती हैं, जैसे क्या था अगर हम यूएस इंटरवेंशन की बात करें अफगानिस्तान में या इराक में। ठीक है, तो उसमें क्या है, एक डोमिनेंट कंट्री जो है हमारी अमेरिका, वो दूसरे कंट्रीज की सॉवरेनिटी को समझ नहीं रही और उन पे अटैक कर रही है। ठीक है, तो इस परस्यूट में क्या है, बहुत सारी लाइव्स चली जाती हैं। अगर दूसरा, एक तो हमने डोमिनेंट स्टेट्स का देख लिया, दूसरा अगर हम टेररिज्म का भी देखें तो क्या है, टेररिज्म की इस टाइम बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो टेररिस्ट जो हैं अब वो टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, मॉडर्न वेपन्स को यूज करते हुए पूरे वर्ल्ड में कहीं भी अटैक कर सकते हैं, जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का अटैक था। ठीक है, तो ये टेररिज्म की काफी बड़ी प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, हाँ जी, हाँ, तो इसमें क्या है कि हम सोच रहे थे कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद कोई वॉर नहीं होगी, लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो पूरा दुनिया है वो बहुत सारे केसेस में एक मीक स्पेक्टेटर ही बन के रह गई। ठीक है, जैसे क्या था, जब रवांडा में 1994 में नियरली हाफ मिलियन टुट्सीज वर किल्ड। ठीक है, हालांकि इस बात की इंटेलिजेंस पहले मिल चुकी थी, लेकिन क्या था, यूएन ने कुछ भी इस बारे में नहीं किया और इवन पीस कीपिंग ऑपरेशन भी रवांडा में नहीं किया और ना ही बाकी कुछ कंट्रीज ने किया। ठीक है, कुछ चीजें अच्छी भी हुई हैं, जैसे जापान और कोस्टा रिका जैसे कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा डिसाइड किया वर्ल्ड वॉर टू के बाद कि हम कोई मिलिट्री फोर्स नहीं रखेंगे। ठीक है, ऐसे वर्ल्ड में और भी न्यूक्लियर वेपन्स फ्री जोन्स बने हैं। ठीक है, ऐसे सिक्स जोन्स हैं जहाँ जिनको न्यूक्लियर वेपन फ्री माना जाता है, जैसे ये लैटिन अमेरिका एंड करेबियन, साउथ ईस्ट एशिया, अंटार्कटिक टेरिटरी, ठीक है, और फिर क्या है, अफ्रीका, साउथ पैसिफिक एंड मंगोलिया। ठीक है, उसके साथ था जैसे यूएसएसआर 1991 में डिसइंटीग्रेट होता है, तो पहले जो यूएसएसआर और अमेरिका में कोल्ड वॉर चल रही थी वर्ल्ड वॉर टू के एंड होने से लेकर 1991 तक, ठीक है, तो वो भी राइवेलरी जो थी यूएस और यूएसएसआर वाली राइवेलरी थी तो वो भी खत्म हो गई। तो बाकी कंट्रीज पे भी ये प्रेशर रहता था कि वो किस ग्रुप को ज्वाइन करें, यूएसएसआर के ग्रुप को ज्वाइन करें या यूएस के ग्रुप को ज्वाइन करें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो छह जोन है ये तो अंटार्कटिक का पूरा जोन हो गया, ये लैटिन अमेरिका मतलब साउथ अमेरिका और करेबियन क्या है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच जो आइलैंड्स हैं, साउथ ईस्ट एशिया में कौन सी कंट्रीज आते हैं, ये हमारे सारे ये एशियान वाले कंट्रीज जो हैं, जैसे ये हो गया हमारे कंबोडिया, लाओ, वियतनाम एक्सेट्रा। ठीक है, मंगोलिया है चाइना और रशिया के बीच एक कंट्री है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो अभी कॉन्टेम्प्रेरी इरा है इसमें और भी बहुत सारे इनिशिएटिव स्टार्ट हुए हैं पीस को मेंटेन करने के लिए, तो ये बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जिनको कलेक्टिवली पीस मूवमेंट बोला जाता है। ठीक है, जैसे द पीस मूवमेंट, ये बहुत सारे लोगों ने शुरू किए हैं, कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या पर्टिकुलर लोग नहीं है, जैसे बहुत सारे वर्कर्स, राइटर्स, साइंटिस्ट, टीचर्स, मीडिया पर्सन, ठीक है, सभी ये पीस को प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है,
तो क्या है, और ये जो मूवमेंट है इसने अपने आप को एक्सपेंड करते हुए अपनी डेप्थ को भी इंक्रीज किया है, और बहुत सारे और भी कॉजेज हैं जैसे एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, जिसको अपने घेरे के अंदर लिया है, और जो क्या है एक बॉडी ऑफ नॉलेज जनरेट की गई है जिसको पीस स्टडीज बोला जाता है, ठीक है, एंड इट इज इफेक्टिवली यूजिंग न्यू चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज इंटरनेट टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव. दिस वॉज ऑल फॉर टूडे स्टूडेंट्स. थैंक यू.